दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बारह मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शूरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से आठ पॉइंट की दस में से आठ पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को नाइन्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई वी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई वी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओटीटी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आईबी71 मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आईबी71 रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आईबी71 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी टी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कब और किस ओ टी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेहनिस फेजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहाँ है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस खान जैसे सितारे हैं फिल्म का स निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूँ आई बी मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों तो तो आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन वन बारह मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे आईबी सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं। आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को सात जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बारह मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से आठ पॉइंट की दस में से आठ पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को नाइन्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई वी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई वी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई सेवन वन 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं IB71 कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आईबी71 की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आईबी71 में विद्युत जामल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी सूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं। आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में से आठ पॉइंट 10 की दस में से आठ पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को नाइन्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई वी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई वी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको OTT पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों मूवी ने जामाल की फिल्म अब रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन वन बारह मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कब और किस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी टी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कप और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकहीं कहानी यहाँ है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सह निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर शाहिदुर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो की कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आईबी71 का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है। आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब IB71 रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म IB71 12 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं IB71 कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अन कहीं कहानी यहां है। आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेहनी चुरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से 8.5 की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब IB71 रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म IB71 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं IB71 कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो की कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आईबी71 का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेहनी चुरा फेजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी कहानी यहाँ है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत चामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बारह मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर दस में से आठ पॉइंट की दस में से आठ पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को नाइन्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आईबी71 मूवी ने विद्युत जामल की फिल्म अब आईबी71 रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आईबी71 12 मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा भाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं कब और किस ओ टी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो कहानी के में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अन्य कहानी यहां है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वत्थ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी डेनिस खान जैसे सितारे हैं फिल्म का स निर्माण सीरीज और एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली जुलाई से डिज्नी प्लस पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को सात जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ टी टी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब

और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में आई बी सेवन वन, में बनी भारत-पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे आईबी सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी डेनिसा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं। आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बारह मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर दस में से आठ पॉइंट की दस में से आठ पॉइंट की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को नाइन्टी सिक्स परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई वी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज़ होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको OTT पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों मूवी ने जामाल की फिल्म अब रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन वन बारह मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कब और किस ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी सुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी टी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कप और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर शाहिदुर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ टी टी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से 8.5 की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी कहानी यहां है। आई सेवन की जुलाई से डिज्नी प्लस और पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ -टी -टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ -टी -टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ -टी -टी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब IB71 रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म IB71 12 मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं IB71 कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉटस्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अन कहीं कहानी यहां है। आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेहनिस फेजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको ज़रूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो की कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आईबी71 का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफार्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहाँ है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी फिजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ पॉइंट की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहाँ है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनी चुरा फेजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का स निर्माण सीरीज और एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली जुलाई से प्लस स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दू आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह को आप इंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज़ हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ टी टी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन वन बारह मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का स निर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है, पर देखने को मिलने जा रही है। तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आई पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू ए सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन वन बारह मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन, में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओ टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहाँ है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं। आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह मूवी को आप एंजॉय कर सकते हो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बारह मई दो हज़ार तेईस को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को IMDb पर 10 में से 8.5 की 10 में से 8.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों यह मूवी को 96% परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ टी टी पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ टी टी पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई बी सेवन वन कब और किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो की कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आईबी71 का ओटीटी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट स्टार पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार चौबीस जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहाँ है आई बी सेवन वन की स्ट्रीमिंग सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिसा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली 7 जुलाई से डिजनी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर 7 जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में ज़रूर से ज़रूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को सात जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमा घरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में से 8.5 की 10 में से 8.5 की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96% परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई वी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमा घरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमा घरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई बी सेवन वन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म IB71 बारह मई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओटीटी रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओटीटी पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं IB71 कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आई बी सेवन वन उन्नीस सौ इकहत्तर में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जामवाल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जामवाल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अन्य कहानी यहाँ है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है। संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वथ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फेजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर 7 जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इंजॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के वीडियो अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूं आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद दोस्तों अगर आप विद्युत जामवाल की मच मुझ अवेटेड मूवी आई बी सेवन वन को अगर आप हिंदी भाषा में YouTube पर देखना चाहते हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आई बी सेवन वन मूवी के बारे में तो यह मूवी कौन सी है और आपको कहां पर हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज के इस वीडियो में तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और दोस्तों साथ ही साथ मैंने आपको इस वीडियो के अंदर इस मूवी से जुड़े हुए कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और इस मूवी का धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो दोस्तों यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है 12 मई 2023 को रिलीज हुई हिंदी भाषा की मिस्ट्री एडवेंचर मूवी आई बी सेवन वन इस मूवी को डायरेक्ट किया है संकल्प रेड्डी ने बात करें इस मूवी के मुख्य किरदारों की तो विद्युत जामवाल निहारिका रायजादा विशाल जेठवा डेनी शुरा, दलीप ताहिल अनुपम खेर रहमान आदि कलाकार अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं इस मूवी को आईएमडीबी पर 10 में पर से 8.5 की 10 में से आठ की, की दमदार रेटिंग मिली हुई है दोस्तों यह मूवी को 96 परसेंट गूगल यूजर्स की तरफ से पसंद भी किया गया है सेंसर बोर्ड की तरफ से इस मूवी को यू सर्टिफिकेट मिला हुआ है और इस मूवी की लेंथ एक घंटा और सत्तावन मिनट की है अगर दोस्तों आप आई बी सेवन वन मूवी को देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको जरूर देखनी चाहिए यह मूवी आपको सिनेमाघरों में देखने को मिल जाएगी अब दोस्तों फाइनली आई बी सेवन वन मूवी को सिनेमाघरों से पूरी तरह से यह मूवी क्लियर हो चुकी है और अब दोस्तों यह मूवी ओ पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है तो दोस्तों आप इस मूवी को ओ पर रिलीज होने के लिए तैयार हो जाइए यह मूवी आपको ओ पर रिलीज होने जा रही है दोस्तों आई बी सेवन वन मूवी ने विद्युत जामाल की फिल्म अब आई सेवन रिलीज होने के लिए तैयार है विद्युत जामाल और अनुपम खेर स्टारर स्पाई थ्रिलर फिल्म आई बी सेवन मई को सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई हालांकि अब इसके मेकर्स को इसकी ओ रिलीज से काफी उम्मीदें हैं तो अगर आप भी इस मूवी को ओ पर देखने का इंतजार कर रहे हैं तो इसकी रिलीज डेट सामने आ गई है आइए जान लेते हैं आई कब और किस ओटीटी प्लेटफार्म पर दस्तक दे रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी आईबी 71 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध पर सेट की गई है फिल्म में विद्युत जाम्मल एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की भूमिका में है जो इनके प्रोडक्शन बैनर एक्शन हीरो फिल्म्स का पहला प्रोजेक्ट है फिल्म को लेकर जाम्मल ने कहा एक सेना का बच्चा होने के नाते मैंने हमारे गुमनाम नायकों के जीवन को करीब देखा है और उनकी कहानियों को दुनिया के सामने लाना मेरा व्यक्तिगत आग्रह था एक ऐसी फिल्म का निर्माण करना जो खुफिया ब्यूरो को कहानी के, के केंद्र में रखे यह भुगतान करने का मेरा तरीका है उनके बलिदान और योगदान को श्रद्धांजलि आई बी सेवन वन का ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस हॉट पर डिजिटल प्रीमियर होने वाला है शनिवार 24 जून को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पहला पोस्टर साझा किया भारत के सबसे बड़ी जासूसी मिशन की अनकही कहानी यहां है आई सेवन वन की स्ट्रीमिंग 7 जुलाई से डिज्नी प्लस पर होने जा रही है संकल्प रेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म आई बी सेवन वन में विद्युत जामाल अनुपम खेर के अलावा विशाल जेठवा अश्वत्थ रेड्डी अश्वथ भट्ट दलीप ताहिल सुरवत जोशी डेनिस चूरा फैजान खान जैसे सितारे हैं फिल्म का सनिर्माण टी सीरीज और रिलायंस एंटरटेनमेंट ने किया है दोस्तों यह मूवी आपको हिंदी भाषा में फाइनली सात जुलाई से डिजनी प्लस हॉट स्टार पर देखने को मिलने जा रही है तो दोस्तों आप भी इस मूवी को डिजनी प्लस हॉटस्टार पर सात जुलाई से हिंदी तमिल तेलुगु और मलयालम भाषा में एंजॉय कर पाओगे तो दोस्तों आप इस प्रकार आई बी सेवन वन मूवी को जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा यह मूवी का प्रीमियर हमें हिंदी भाषा में देखने को लिए पूरी तरह से तैयार है और दोस्तों यह मूवी हमें हिंदी भाषा में देखने को मिलने जा रही है सिर्फ और सिर्फ आपके अपने डिजिटली नेटवर्क पर तो दोस्तों आप इस प्रकार इस मूवी को हिंदी भाषा में जरूर से जरूर देखिएगा दोस्तों मैं आपको बता दूं आई बी सेवन वन मूवी आपको डिजनी प्लस हॉट स्टार पर सात जुलाई से हिंदी भाषा में देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को 7 जुलाई से आपके अपने नजदीकी सिनेमाघरों में बाद अब यह मूवी को आप इन्जॉय कर सकते हो तो दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही मिलता हूँ आपसे अगले नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद